हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13th में से एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6th ऑनवर्ड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 5। सो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th के। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यानी पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, ये जो डायामीटर है दैट इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, तो तीन पार्ट के अंदर ही क्वेश्चन होता है। फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज द फॉर्मूला एंड थर्ड इज द कैलकुलेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन के अंदर देखते हैं कि हम इस सिलेंडर की हाइट यानी ये लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है। अब हमें मालूम है डायामीटर 5 है, तो रेडियस विल बी 2.5 ऑन बोथ साइड्स। तो 2.5 इधर से कट हो गया, 2.5 इधर से कट हो गया, तो 14 में से अगर 5 कट हो जाएगा तो ये बन गया 9 मिलीमीटर। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 mm, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नोन टू यू एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो नोन टू यू। सो टोटल नाउ विल राइट डाउन टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दैट इज 14 mm, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल है हमारे पास, वो कितना है दैट इज 2.5 mm। सो लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी हमारे पास, दैट विल बी 14 - 5 दैट इज 9 mm। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप सोचेंगे कि पूछा तो है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और निकाल रहे हो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इस सिलेंडर का बेस और इस हेमिस्फीयर का बेस आपस में लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो वो एरिया नहीं निकलेगा। सेम इस तरफ भी ऐसा ही है। तो जब दोनों का बेस, इसका दोनों बेस हट गए और हमारे हेमिस्फीयर के भी दोनों बेस हट गए, तो वो क्या बचा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बोलिए 2πr, यहां पर h ले लेते हैं कैपिटल, दैट विल बी फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr². अब आपके पास r की वैल्यू है दैट इज 2.5 mm, h की वैल्यू है 9 mm और पाई सभी को मालूम है दैट इज 22/7। आई विल नॉट डू द कैलकुलेटिव पार्ट, वो आप खुद करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने दो पार्ट कर दिए, ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज द फॉर्मूला, तीसरा पार्ट आपके लिए छोड़ा है दैट इज कैलकुलेशंस, एंड आई एम होपफुल दैट यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस इन द करेक्ट मैनर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा दी गई है। If the height and diameter of the cylindrical part are, height है 2.1, diameter is 4, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, and the slant height of the top, slant height is 2.8 meter, find the area of the canvas, canvas मतलब एक जिससे कपड़े से वो बनता है टेंट, मोटा कपड़ा उसको canvas कह देते हैं, used for making the tent, कहता है कितना कपड़ा लगेगा। अब जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना कपड़ा लगेगा,
बेस इसके अंदर, टेंट के अंदर बेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट. नाउ द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एंड एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज पाई आर एल. सो हियर आर इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 मीटर, हाइट h इज इक्वल टू 2.1 मीटर एंड l इज इक्वल टू 2.8 मीटर. सो वी विल पुट द वैल्यूज 2 × 22/7 × 2 × 21/10 प्लस 22/7 × 2 × 28/10. सो इट इज 7 × 3 = 7 × 4 = That has come in 22 × 12/10 plus 8 × 16 = 176/10. That has come as 264/10 plus 70.6. That is 26.4 plus 17.6. That is 44 meter square. That is the total surface area of the tent. Now the cost. Cost of 1 meter square is equal to rupees 500. So cost of 44 meter square will be 44 × 500. That is rupees 22,000 rupees. So, baki videos hum karenge next video mein jo 2 questions is exercise ke bach gaye hain. Thank you very much.